आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, तो एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर बहुत स्टैंड आउट करती है कि अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर के बजाय आप नॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर यूज करें। इस वीडियो में हम एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर बनाना सिखाएंगे आपको कि आपने किस तरीके से एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर बनानी है। फर्स्ट स्टेप, आपने जाना है कैनवा के ऊपर और कैनवा के थ्रू हमने एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर बना लेंगे। तो आपने कैनवा पे जाके आपने क्रिएटेड डिजाइन को क्लिक करना है और एज इंस्टाग्राम पोस्ट को क्लिक करना है। इधर मैं जाऊंगा क्रिएटेड डिजाइन पे और इंस्टाग्राम पोस्ट को क्लिक करूंगा। इंस्टाग्राम मैंने पोस्ट लिख दिया क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर के डायमेंशन हमने इक्वल लेने हैं, उसकी विड्थ और हाइट इक्वल लेनी है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे और ये हमारे सामने एक सिंपल ब्लैंक स्क्रीन आ गई है। तो ब्लैंक स्क्रीन आने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने एक फ्रेम यूज करना है, फ्रेम चूज करना है। हम ये एलिमेंट्स में जाएंगे और इधर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सर्कल फ्रेम ले लेंगे। नीचे आ गए हम, इसको स्क्रॉल डाउन, ये हमारे पास फ्रेम आ गए और यहाँ पे हमने एक सर्कल फ्रेम ले लिया। अब इसके अंदर हमने कोई भी तस्वीर ऐड कर देनी है। मेरे पास कुछ तस्वीरें पड़ी हुई हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से कि ये तस्वीर है, ठीक है। अच्छा, अभी तस्वीर अभी देख रहे हो तो बुरी लग रही है, इसको हम थोड़ा सा डबल क्लिक करके नीचे कर देंगे और अब ये बहुत बेटर लग रही है एज कम्पेयर के इसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके पीछे बैकग्राउंड हमारा कोई भी रख सकते हैं। अब ये देखो, हम इसको बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और इधर हम इसका कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। मोस्टली बैकग्राउंड लाइट ब्लू अच्छा लगता है या फिर लाइट ग्रीन अच्छा लगता है। देखो ये अच्छा लग रहा है, ये देखो, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास यहाँ तक तस्वीर आ गई। अच्छा, अगर आपकी किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड वो नहीं है, बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, अब आप बैकग्राउंड है पीछे, आपने क्या करना है, आपने जाना है बीजी रिमूव सर्च करना है गूगल के ऊपर। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। आपने जस्ट स्क्रॉल करना है और उसके ऊपर तस्वीर लेके जानी है और जैसे डाउनलोड कर लेना है। तो वापस हम आ जाते हैं कैनवा के ऊपर। अच्छा, आपने इधर से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो गई आपकी तस्वीर। डाउनलोड करने के बाद आपने क्रॉप अ सर्कल, एक वेबसाइट है, आपने जाना है वही, इधर सर्च कर लेना है क्रॉप अ पिक्चर इनटू सर्कल, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज अपलोड कर लूंगा, हो गया। अब नीचे हम इसको क्रॉप सर्कल को क्लिक करें, देख लो ये हमारी तस्वीर हो गई और ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया। और ये तस्वीर हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको खोल के देखें तो हमारी तस्वीर इतना सर्कल फॉर्म में ही होगी। देखें, ये तस्वीर है और बैकग्राउंड भी अच्छा है, ठीक हो गया, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका भी है कि अगर आप इस तस्वीर के पीछे एक शेडो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी शेडो क्रिएट हो सकता है। तो इसको अगर हम क्लिक करें, इसको कंट्रोल डी कर देंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो इसके जैसी एक और बिल्कुल सेम टू सेम इमेज हमारे दरमियान बन जाएगी। हम इसके जाएंगे, इस इमेज को एडिट करेंगे और इधर हम पी ऑल पे जाके इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करेंगे। ब्राइटनेस हम बिल्कुल ही, अगर आपने शेडो क्रिएट करना है तो हमें शेडो क्रिएट करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। अब इसको हम पोजीशन बैकवर्ड पे कर देंगे, ये देखिए इसका शेडो क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये शेडो बिल्कुल भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, अभी करंटली नहीं लग रहा क्योंकि, अच्छा, इसके और इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं और आगे वाली की बढ़ा देते हैं। ये देखे, इसकी हम ओपेसिटी इंक्रीज कर देंगे और ये तस्वीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये देखो। अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारी बहुत फर्क पड़ेगा एक तस्वीर के ऊपर। इसको हम डाउनलोड करते हैं और इसी को हम क्रॉप करें तो बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट इमेज बन जाएगी एज कंपेयर दूसरी इमेज के। अब इसको हम दोबारा क्रॉप करते हैं, अपलोड इमेज पे गए और दिस टाइम हमारे पास शेडो वाला इमेज है, ये देखो। और शेडो वाला इमेज बिल्कुल डिफरेंट है, कि पीछे शेडो है तो इट मींस कि ये डिफरेंट लग रहा है, ये देखो बहुत डिफरेंट लग रहा है इसको कंपेयर के वो दूसरा इमेज। शेडो अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो उससे बहुत रियल लगेगी तस्वीर आपकी, तो शेडो ऐड करना मत भूलना। और इस वीडियो, इस तस्वीर को आप कहीं भी यूज कर सकते हो और ये अच्छी लगेगी तस्वीर आपकी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।